हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन क्लास 9th की मैथ से चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स से लिया गया है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैप्टर की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी एनी पॉइंट ऑन एल। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। सी फिगर 7.20, ये वो फिगर है। सो दैट फर्स्ट ट्रायंगल ए पी बी कंग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। सेकेंड है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। देखो, ये हमारा एंगल ए है, ए पी और ए क्यू एंगल ए के आर्म्स हैं। आप देखोगे ये वाला जो लाइन एल है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है एंगल को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और ये देखो बी पी जो है ए पी पर परपेंडिकुलर है और बी क्यू ए क्यू पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री बनाने वाली लाइन। तो यहां पर आप देखो ये 90 डिग्री बन रहा है ये चीज, ठीक है। ओके, तो हमें बताना है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कंग्रेंट है और ये वाली साइड बी पी और बी क्यू एक दूसरे के इक्वल है, ये बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अब चूंकि सबसे पहले इन दोनों को कंग्रेंट प्रूव करना है तो इन ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, वी हैव, सबसे पहले हमें मिलेगा एंगल बी ए क्यू। ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बी ए पी के, इस वाले एंगल के। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। अब इसका रीजन क्या होगा? देखो, ये जो लाइन एल है इसका बाइसेक्टर है, तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, ये इसका रीजन हो जाएगा। अब एक चीज देखो आप, ये जो एंगल है ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है परपेंडिकुलर। तो अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहां पर हो जाएगा एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। अब इसका रीजन क्या होगा? 90 डिग्री ईच, ठीक है, हर एक एंगल कितना है 90 डिग्री है। अच्छा, एक चीज देखो, ये वाली जो साइड है ए बी, ये वाली साइड सेम ही है तो ये साइड इक्वल होगी क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब इसका रीजन कॉमन क्या हो जाएगा? कॉमन। तो आप देखो तीन चीजों को हमने यहाँ पर इक्वल प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए पी बी इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। अब देखो इसका रीजन हो जाएगा बाई ए एस रूल। देखो यहां पर हमारा एंगल है, यहां पर भी एंगल है और यहां पर साइड है, तो ये ए एस से क्या हो गया? कंग्रेंट हो गया। अब देखो एक चीज तो हमने यहां पर प्रूव कर दी, इसलिए हम यहां पर पहले नंबर वन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? नंबर वन, सॉल्यूशन नंबर वन, ठीक है। यहां पर वन को हमने यहां पर प्रूव कर दिया, अब हम सेकंड प्रूव करेंगे। अच्छा देखो, अभी हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कंग्रेंट प्रूव कर दिया। ये वाला ये ट्रायंगल है ए क्यू बी और ये वाला ये ट्रायंगल ए पी बी। तो जब ये कंग्रेंट हो गया तो इनकी कोई भी करेस्पॉन्डिंग साइड या कोई भी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहां पर कह सकते हैं सो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अब इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन हो जाएगा बाई सी पी सी टी। किससे? सी पी सी टी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी पी सी टी? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल।
तो देखो जब ये इक्वल हो गया तो यही चीज हमें बताना था कि या तो ये बता दो या फिर ये बता दो, तो दोनों चीज हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। देखो दैट इज बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए, फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ओके, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।